हाथरस में ओयो होटल अयाशी के अड्डे बने हुए हैं। आज पुलिस ने एक ओयो होटल पर सूचना के दौरान छापेमारी की, जिसके दौरान पुलिस ने होटल से 10 लोगों को संदिग्ध परिस्थिति में पकड़ा, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। यह पूरा मामला कोतवाली मुरसान क्षेत्र के पेट्रोल पंप के पास होटल ब्लू मून में चल रहा था, जहां पर पुलिस ने सूचना पर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। दरअसल आपको बता दें कि हाथरस के थाना कोतवाली मुरसान क्षेत्र के पेट्रोल पंप के पास होटल ब्लू मून ओयो पर पुलिस की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने संदिग्ध परिस्थिति में होटल से 10 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल थी। पुलिस ने दोनों महिलाओं को हिदायत देकर मौके से ही छोड़ दिया। वहीं पकड़े गए लोगों को पुलिस अपने साथ गिरफ्तार कर थाने ले गई है। बता दें कि हाथरस जिले भर में सैकड़ों होटल संचालित हैं। लगातार पुलिस के पास भी होटलों की शिकायत होती रहती हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन आज पुलिस की इस कार्रवाई ने जिले भर के ओयो होटलों के संचालकों में खलबली मचा दी है। वहीं इन होटलों में खुलेआम अयाशी का अड्डा बनाकर जसप्रोसी भी की जा रही है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही है। देखिए हाथरस से नीरज चक्रपाणी की रिपोर्ट, SKH न्यूज।